स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में, मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस की गुंडागर्दी, क्यों थमाया युवक को जबरदस्ती तमंचा, यूएस में खालिस्तानी गुरविंद पन्नू की हत्या की कोशिश करने को लेकर क्यों लग रहे हैं भारतीय पर आरोप, मोहन भागवत ने गायों को लेकर कही बड़ी बात, हिंदुओं पर ही क्यों लगाए गायों को बेचने का आरोप, उत्तर प्रदेश में 532 दिनों से शिक्षक कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, योगी सरकार पर क्यों लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप, और आखिर में आपको बताएंगे कि यात्री ट्रेनों को खड़ा कर आराम करने गए ड्राइवर 3.5 घंटे तक क्यों यात्री भूखे प्यासे और परेशान रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। उत्तर प्रदेश से रोजाना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यह घटना किसी आम आदमी से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी है। कि कैसे यूपी में पुलिस वाले ही गुंडा करदी करने पर उतारू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, आप लोग भी इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को भी यूपी पुलिस की सच्चाई का पता चल सके। जरा देखिए इस वीडियो को। तो देखा आपने कि कैसे एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने पकड़ रखा है और जबरदस्ती उसके हाथ में कट्टा पकड़ा रहे हैं। ये कारनामे कानपुर पुलिस के हैं। टाटमील चौराहे पर युवक के पास से कट्टा बरामद करने का पुलिस ने दावा किया था, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक के हाथ में कट्टा सामने से दिया जा रहा है, पुलिस उसके हाथ में तमंचा पकड़ा रही है। कट्टा बरामदी की 50% घटनाएं झूठी होती हैं। हो सकता है कि इन आलाकमान से ही आदेश मिला हो कि ऐसा करना है, अपनी गुंडागर्दी दिखानी है, लोगों को परेशान करना है, उन पर झूठे आरोप लगाने हैं। जबकि वीडियो बनाई जा रही है, साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस कैसे युवक को तमंचा पकड़ा रही है, लेकिन फिर भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस वाले बोल रहे हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं कि हमने युवक के पास से कट्टा बरामद किया है, जबकि वीडियो में पुलिस की सच्चाई इसका झूठ साफ नजर आ रहा है। खैर उत्तर प्रदेश की घटना है ये, वहां तो कुछ भी हो सकता है। अपराधी खुले घूमते हैं, पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार बोलती है यूपी में सब बढ़िया चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि यूएस में क्यों खालिस्तानी गुरविंद पन्नू की हत्या की कोशिश में भारतीय पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादी गुरविंद सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में भारत सरकार के कर्मचारी का नाम सामने आया है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। कनाडा में आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद ये दूसरा मामला है जिसे लेकर भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका जस्टिस विभाग ने एक बयान में अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा है कि वो अमेरिका से मिले इनपुट की जांच कर रहा है। वहीं एक अमेरिकी अटॉर्नी ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर का आरोप लगाते हुए हत्या की साजिश का केस दर्ज किया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर निखिल गुप्ता को 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियां चलाने वाले गुरविंद पन्नू की हत्या की कोशिश करने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत को अब कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। यूएस से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि हम शुरू से ही इन्हीं घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अब भारत को इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब आपको मोहन भागवत के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसे शायद खुद उनके ही भक्त उनसे नाराज हो जाए। उन्होंने हिंदुओं को लेकर ऐसी बात बोल दी है जो हिंदुओं से की जो भावनाएं है उससे जुड़ी हुई है। खैर उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने गो हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू ही गाय को काटने के लिए कसाई को भेजते हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गाय काटी जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें वहां भेजता कौन है। ये गाय हिंदुओं के ही घरों से वहां पहुंचती है और उन्हें ले जाने वाले भी हिंदू ही हैं। हम गायों को माता मानते हैं, लेकिन गाय को कटने के लिए भेजना क्या एक पुत्र का कर्तव्य है? गाय को कटने के लिए भेजना बिल्कुल सही चीज नहीं है। भागवत ने आगे कहा कि गाय को हम हमेशा अपने पास रखें, मरने के बाद उसका सींग हमारे काम आता है और उसकी खाल भी हमारे काम आती है। गाय मरने के बाद भी हमारी सेवा करती है, तो जिंदा रहते हुए हम उसकी सेवा क्यों नहीं कर सकते? अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मोहन भागवत बोल रहे हैं गायों को मारने में उनकी कम्युनिटी का हाथ है और उन्हीं लोगों की वजह से गायों को बांग्लादेश भेजा जाता है, लेकिन मोहन भागवत तो लोगों पर क्या बोलेंगे जो गायों के नाम पर लोगों की लिंचिंग कर देते हैं? अगर कोई मुसलमान गाय को ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, चाहे वो उसे पालने के लिए ले जा रहा हो, लेकिन उस पर जबरदस्ती आरोप लगाए जाते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, गायों के नाम पर लोगों को मारते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि वो लोग भी गायों को कैसे पाला जाता है ये नहीं जानते, उनकी रक्षा करना भी
नहीं जानते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय और हक की मांग कैंडिडेट्स कर रहे हैं, जिन्हें ठंड में सड़कों पर घसीटा जा रहा है। ना हक मिल रहा है और ना ही इज्जत मिल रही है। कैंडिडेट्स 532 दिन से अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी बात सुनने की बजाय लाठी से जवाब दे रही है। पिछले 532 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में 6,800 चयन सूची पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कैंडिडेट्स ने चारबाग से विधानसभा की तरफ हजारों की संख्या में जुलूस निकाल रहे थे। पिछड़े दलितों को न्याय दो के नारे लगाते हुए कैंडिडेट्स लगातार विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस ने हुसैनगंज चौराहे के पास बैरिकेटिंग करके कैंडिडेट्स को रोक दिया। कैंडिडेट्स का कहना है कि पुलिस की बर्बरता में कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं मिल पाई है। हम लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए ताकि हमें नियुक्ति मिल सके। सोचिए, जहां एक तरफ बिहार में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि कैंडिडेट्स नियुक्तियों के लिए लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पर उन्हें घसीटा जा रहा है। जबकि खुद योगी सरकार के प्रवक्ता की बेटी को बिहार में शिक्षक की नौकरी मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। फिर किस कॉन्फिडेंस के साथ योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। दूसरे राज्यों में जाकर तो महिला सम्मान के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन शायद अपने राज्य में महिलाओं की स्थिति, लोगों की स्थिति देखने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि कितने ही महीनों से कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। अब आपको फिर एक बार उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना इतनी घटनाएं होती हैं कि अगर सुबह से शाम तक बताया जाए तो कम पड़ जाएगा। दरअसल बाराबंकी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां दो यात्री ट्रेनों को खड़ा करके लोको पायलट आराम करने चले गए, जिसकी वजह से हजारों यात्री परेशान हुए। ड्यूटी खत्म होने का बोलकर ड्राइवर ने बीच रास्ते में ट्रेन को खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेन में करीब 2500 यात्री फंस गए। और दोस्तों, ये घटना सिर्फ कुछ मिनट या आधे घंटे तक नहीं हुई, बल्कि 3.5 घंटे तक यात्री भूखे प्यासे परेशान रहे, वहां पर फंसे रहे। सोचिए दोस्तों, 3.5 घंटे तक यात्री फंसे रहे और क्या किसी को खबर तक नहीं लगी? ऐसा कैसा हो सकता है? और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 ट्रेन ऐसी ही खड़ी रही, जिसमें से एक ट्रेन ने ड्राइवर को तो समझा बुझाकर, जो एक ट्रेन का ड्राइवर था उसको समझा कर किसी तरह आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन जबकि जो दूसरा ड्राइवर था उसने आगे जाने को तैयार ही नहीं हुआ, उसने साफ मना कर दिया। तो उसके अलावा दूसरे लोको पायलट को लखनऊ से बुलाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये मामला बाराबंकी जिले के बुड़वल रेलवे स्टेशन का है, जहां पर एक तरफ रेल मंत्री फोटोशूट करवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, उनके विभाग के पायलट 20 सफर में ट्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये हालात है इंडियन रेलवे की, जहां पर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग मारे जाते हैं, बोगियों में आग लग जाती है, कभी ड्राइवर ट्रेनों को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपनी इन नाकामियों पर चुप रहती है। आखिर क्यों लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है? क्या भाजपा वालों के लिए लोगों की जिंदगियां एक खेल बन चुका है? आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिट लेने में तो ये लोग सबसे आगे आ जाते हैं, और जब नाकामियों की बात आती है तो विपक्ष में निशाना साधने लग जाते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन ये वाकई शर्मनाक है कि दिन ब दिन ट्रेनों के साथ घटनाएं होती रहती हैं और सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। खैर दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।